The helpful young man. Why did the young man go to the remote sea? Young man remote sea पर क्यों गया? Remote sea मतलब जो कि हमारी cities वगैरह से जो sea दूर होता है उन्हें हम remote sea कहते हैं. The young man went to the remote sea to fetch the eyes of a particular fish in order to restore his father's eyesight. जो young man था वो remote sea पर एक पर्टिकुलर फिश, एक स्पेशल फिश की आईज लेने गया था ताकि वो अपने फादर्स की आई साइड वापस ला सके. वायर इट द एल्डर ब्रदर्स बिकम जेलस ऑफ देयर यंगेस्ट ब्रदर. जो एल्डर्स ब्रदर थे, जो बड़े भाई थे, वो क्यों अपने छोटे भाई से जेलस होने लग गए थे? द एल्डर ब्रदर्स बिकेम जेलस ऑफ देयर यंगेस्ट ब्रदर बिकॉज दे फियर दैट ही वुड बी the heir to the father's property. जो बड़े भाई थे वो अपने छोटे भाई से इसलिए जलने लग गए थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो अपने फादर्स की प्रॉपर्टी का heir ना बन जाए. heir मतलब कि ओनर ना बन जाए. जब उसके फादर मर जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी. How did the young man save the buck and the jackal? यंग मैन ने बक और जाकल कैसे बचाया? बक मतलब एक मेल डियर टाइप होता है जिसके हॉर्न्स होते हैं, और जाकल मतलब वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता. ही सेंड द बक इनटू अ डिच एंड कवर्ड इट विद ग्रास एंड लीव्स. उसने उस बक को एक डिच में भेज दिया, एक होल में भेज दिया, एक बहुत बड़े गड्ढे में भेज दिया. उसको उसने ग्रास और लीव्स से ढक दिया, पत्तों से ढक दिया. When he was asked by the hunters, जब hunters ने उससे पूछा, he pretended as if he had no idea about it at all. उसने ऐसे pretend किया, उसने ऐसे दिखाया कि उसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है. He also helped the jackal and saved it from hunters. उसने ऐसे ही jackal की मदद करी और उसको hunters से बचाया. What proclamation had the princess of the strange palace made? जो प्रिंसेस थी उसने क्या अनाउंसमेंट करी थी? प्रोक्लेमेशन मतलब अनाउंसमेंट, कुछ बताना. द प्रिंसेस ऑफ द स्ट्रेंज पैलेस हैड प्रोक्लेम्ड दैट शी वुड मैरी द मैन हु कुड इवेड हिज रिफ्लेक्शन इन द मैजिक मिरर. जो स्ट्रेंज पैलेस की प्रिंसेस थी उसने ये अनाउंसमेंट करी थी, उसने ये बताया था कि वो उसी इंसान से शादी करेगी जिसकी रिफ्लेक्शन मैजिक मिरर में नहीं दिखेगी. But he would be beheaded if traced in the mirror. लेकिन अगर उसके मिरर में उसकी शक्ल दिख गई या वो दिख गया तो उसका सर काट दिया जाएगा. Beheaded मतलब सर काट दिया जाएगा. How did the three animals, the fish, the buck, the jackal, repay the kindness of the young man? इन three animals ने कैसे अपनी kindness वापस करी, मतलब कैसे उससे रीपे करा यंग मैन को. द फिश हिट द यंग मैन इन इट्स स्टमक एंड वेंट डीप इनटू द ओशन. फिश ने यंग मैन को अपने पेट में छुपा लिया और उसे ओशन के समुद्र में बहुत नीचे ले गई. द बक मेड हिम सेट ऑन हिज हॉर्न्स एंड टुक हिम टू द रिमोट हिल्स. जो बक थी उसने उसे अपने सींगों पे बिठा लिया, हॉर्न्स मतलब सींग, और उसे रिमोट हिल्स में ले गई. हिल्स में ले गई, रिमोट मतलब रिमोट हिल्स में, मतलब हिल्स में, पहाड़ों में ले गई. द जैकल सजेस्टेड हिम टू हाइड अंडर द बेड ऑफ द प्रिंसेस एंड ऑल्सो हेल्प्ड हिम इन रीचिंग देयर बाय डिगिंग अ टनल विद हिज फेलो जैकल्स. जैकल ने उसे सजेस्ट किया कि उसे प्रिंसेस के बेड के अंदर छुप जाना चाहिए, और उसने उसकी मदद करी ताकि वो उस बेड तक पहुंच पाए एक टनल डक करके. उसने टनल खोद दिया प्रिंसेस के बेड के नीचे अपने दोस्तों के साथ, फेलो जैकल्स के साथ. हाउ डिड द यंग मैन फाइनली कॉन्कर द प्रिंसेस. उस यंग मैन ने फाइनली प्रिंसेस को कैसे पा लिया? कॉन्कर मतलब पाना. द जैकल्स हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस. जैकल ने एक मीटिंग टाइप करी सबके साथ. दे प्रपोज्ड दैट द यंग मैन शुड हाइड हिमसेल्फ अंडर द बेड ऑफ द प्रिंसेस. उन्होंने यंग मैन को बताया कि यंग मैन को प्रिंसेस की बेड के नीचे छुप जाना चाहिए. A tunnel was dug and the young man was right under her bed. एक टनल को उन्होंने खोदा
और यंग मैन प्रिंसेस के बेड के नीचे था, अंडर मतलब नीचे। द प्रिंसेस रोटेटेड द मिरर अ नंबर ऑफ टाइम्स बट इन वेन। प्रिंसेस ने बार बार मिरर को रोटेट किया लेकिन उससे उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। शी एक्सेप्टेड हर डिफीट एंड इन दिस वे द यंग मैन फाइनली कॉन्कर्ड द प्रिंसेस। उसने अपनी हार मान ली और वैसे ही फाइनली यंग मैन ने प्रिंसेस को पा लिया। व्हाई डिड द प्रिंसेस अलाउ द यंग मैन एक्स्ट्रा चांसेस टू हाइड हिमसेल्फ। प्रिंसेस ने यंग मैन को क्यों अलाउ किया इतने सारे चांसेस अपने आप को छुपाने के लिए। द प्रिंसेस अलाउड द यंग मैन एक्स्ट्रा चांसेस टू हाइड बिकॉज ही वॉज अ स्मार्ट एंड इंटरेस्टिंग पर्सन। प्रिंसेस ने यंग मैन को एक्स्ट्रा चांसेस छुपने के लिए इसलिए दी क्योंकि वो एक बहुत स्मार्ट पर्सन था और एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन था। मोर ओवर शी वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिम एज ही वॉज अ करेजियस मैन। और वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी क्योंकि एक वो बहुत करेजियस मैन था। करेजियस मतलब किसी से नहीं डरता था। हाउ डिड द यंग मैन्स गुडनेस फाइंड हिम सपोर्ट एट द टाइम ऑफ नीड। जो यंग मैन की गुडनेस थी उसने कैसे उसे सपोर्ट किया जब उसे उसकी जरूरत थी। इट इज सेड दैट गुड एक्ट्स नेवर गो अनरिवॉर्डेड। ऐसा कहते हैं कि जब हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा होता है, हमें उसके बदले में हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है। द यंग मैन्स गुडनेस फेच्ड हिम सपोर्ट एट द टाइम ऑफ नीड व्हेन ही एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ द प्रिंसेस। यंग मैन की जो गुडनेस थी वो उसे तब मिली जब उसने प्रिंसेस का चैलेंज एक्सेप्ट किया। ऑल द थ्री एनिमल्स हेल्प हिम। जो थ्री एनिमल्स थे उसने उनकी मदद करी। एट लास्ट द प्रिंसेस एक्सेप्टेड हर डिफीट एंड मैरिड हिम। आखिरी में प्रिंसेस ने अपनी डिफीट अपनी हार एक्सेप्ट कर ली और मान लिया और उससे शादी कर ली।